गोपालगंज में भाजपा के पूर्व मंत्री सह एमएलसी जनक राम ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि जिस तरह भीम संसद के नाम पर बिहार सरकार के द्वारा कुछ लोगों को बुलाकर बाबा साहेब के अनुयायी और सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को अपमानित किया जाता है, उन्हें मंच पर बोलने नहीं दिया जाता है और अपने विचारों को रखने नहीं दिया जाता, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जनक राम ने कहा, जिस तरह रत्नेश सदा अपने सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के बेटे हैं, उनको मंच पर बोलने नहीं दिया जाता है और उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनक राम ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को वर्तमान संस्कार दबाव डाली थी कि पार्टी को विलय करने के लिए, तो संतोष मांझी ने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर अनुसूचित जाति होने का सम्मान किया था। ठीक उसी तरह रत्नेश सदा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए लालू और नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह बड़ा भाई 15 साल बिहार प्रशासन किया और छोटा भाई का शासनकाल 17 साल होने जा रहा है, बड़े भाई के शासनकाल में दलित का बेटा रमई राम और बगहा के सांसद पूर्णमासी राम को अपमानित करने का काम किया गया था, उसी रास्ते पर चाचा भतीजा चलकर कभी जीतन राम मांझी का अपमान करते हैं, तो कभी संतोष मांझी का, तो कभी रत्नेश सदा का अपमान करने का काम किया जा रहा है। बिहार के अनुसूचित जाति के भाई बहन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर रत्नेश सदा को थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें सरकार से मंत्री पद का इस्तीफा देकर बाहर हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से भीम संसद के नाम पर बिहार के कुछ लोगों को बुला करके और खास करके जिस पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सदा जी को जिस तरह से अपमान तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, रत्नेश सदा को बोलने न दिया जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो आदरणीय रत्नेश सदा जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से आपके अपने दल में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अनुसूचित जाति के बेटे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बिहार के आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटा आदरणीय संतोष मांझी जी ने जिस तरह से उनके ऊपर वर्तमान सरकार दबाव डाली, पार्टी को विलय करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन आदरणीय पूर्व मंत्री संतोष मांझी जी ने त्वरित उनके दबाव में नहीं आया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के बिहार की जनता को और अनुसूचित जाति का बेटा होने का सिद्ध किया। इसी तरह जिस तरह से संतोष मांझी जी ने अनुसूचित जाति के बेटा होने के नाते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, रत्नेश सदा जी रोने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है। आपकी आबादी एससी एसटी अनुसूचित जाति भाई बहनों की बिहार प्रदेश में 22% आबादी है, जिनकी आबादी नमक में दाल जैसे है, उन लोगों ने एक बड़ा भाई 17 साल शासन किया, एक भाई 17 साल पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है, बड़े भाई भी अगर बिहार में सत्तासीन रहे तो उनके शासन काल में भी एक दलित का बेटा रमई राम जी को जिस तरह से उस सरकार ने पूर्ववर्ती अपमानित किया। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद बगहा के आदरणीय पुनवासी राम जी को भी बिहार प्रदेश में आपके बड़े भाइयों को जिस तरह से ये लचर व्यवस्था देखने को मिला था, दलितों को अपमान करने की परंपरा चल पड़ी उसी बड़े भाई के रास्ते पर, और चचा भतीजा दोनों लोग मिलकर के कभी आदरणीय जीतन राम मांझी को अपमान करना, कभी संतोष मांझी जी को अपमान करना, कभी रत्नेश सदा जी को अपमान करना, ये बिहार के अनुसूचित जाति के भाई बहन बर्दाश्त नहीं करेगा। रत्नेश सदा जी, आप में तनिक भी नैतिकता बची है तो आप तत्काल रूप से इस्तीफा दे करके सरकार से बाहर आनी चाहिए। गोपालगंज से नवाब अहमद की रिपोर्ट।